Hello students, today I am going to start a new chapter, application of derivatives. What? Application of derivatives. इसके पहले मैंने आपको chapter number 3 derivative पूरा खत्म किया, each and every question मैंने आपको explain किया, अब उसका application हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, right? और बहुत ही important chapter है, simple chapter भी है. ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से लेक्चर्स को सुनोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स एकदम एकदम आसान लगेगा, एकदम स्मूथ, कोई प्रेशर नहीं होगा आपके दिमाग पे और आप आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा, आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हो. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दो अभी आप लोग. देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. पता है आपको इधर ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. फिर मैंने एक कर्व बनाया हुआ है, वाई इक्वल टू एफ एफ एक्स का कर्व बनाया हुआ है, राइट, दिख रहा है. और यहां से एक टेंजेंट जा रही है, कि नहीं? टेंजेंट, टेंजेंट मतलब वो लाइन जो कर्व को टच करके जाती है, लाइन विच इज पासिस थ्रू टू द पॉइंट ऑफ कर्व, टचिंग द कर्व मतलब वह लाइन जो कर्व को या सर्कल को टच करके जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट. ये टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल ए और ए प्लस एच. मैंने कर्व बना दिया है, अब फॉर्मूला है इसके ऊपर, देखो डिपेंड कैसा होता है इसमें, क्या बोलेंगे कि क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x है क्या. फर्स्ट वन, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वेशन ऑफ द कर्व, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वेशन ऑफ कर्व. तो क्या रीड करेंगे, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x दिया है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व. देन dy by dx मतलब अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वेशन ऑफ द कर्व है, देन dy by dx और f सिंगल डैश x, f सिंगल डैश x, मैंने पहले ही बताया फर्स्ट डेरिवेटिव, इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1. बराबर, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन दिया रहेगा या कोई इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, अगर आपको उसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. स्लोप को हम लोग m से भी दिखाते हैं, इसे m से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू dy by dx. पहले dy by dx निकालोगे और फिर जिस पॉइंट पे हुआ रहेगा टेंजेंट, जिसको टच करके जाता रहेगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को उसमें रखोगे, x1 और y1, x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू उसके अंदर आप पुट करोगे तो आपको स्लोप का आंसर मिल जाएगा, राइट. उसके बाद दूसरा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट. टेंजेंट का अगर इक्वेशन फाइंड करना है आपको तो फॉर्मूला है ये, पहले से लाइन का फॉर्मूला है अपने पास, y माइनस y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना, y माइनस y1 इंटू क्या होता है, m इंटू x माइनस x1. आपने टेंथ में भी सीखा होगा ये, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. m मीन्स वॉट, dy by dx, क्या dy by dx वही स्लोप है, m मतलब स्लोप, dy by dx जो आपने फाइंड किया उसका वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे y1, यहाँ पे x1 रखो, आपको इक्वेशन मिल जाए, राइट. थर्ड वन, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, जैसे टेंजेंट का निकाला हुआ है ऐसे नॉर्मल का निकालेंगे. व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज द लाइन, नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है, कर्व को टच करके जाएगा, टेंजेंट हो गया, बराबर. और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस वन अपॉन यम, यम मतलब डीवाई बाय डीएक्स, बराबर. जो स्लोप आपको टेंजेंट का मिला रहेगा उसमें माइनस वन अपॉन यम कर दो, you will get slope of normal. Understood?
minus 1 upon m means minus 1 upon dy by dx at point x1, y1. फिर जैसे वहां पे हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. इक्वेशन के लिए वो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. बट यहाँ पे नॉर्मल है तो माइनस वन अपॉन एम का वैल्यू माइनस वन अपॉन एम, माइनस वन अपॉन एम, एम मीन्स डीवाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दो बातें याद रखो, नोट से ये नोट रखो, ध्यान में रखो अपने. If two lines are parallel, their slopes are equal. ये भी आपने सीखा हुआ है. Previous standard में आपने सीखा होगा सब, 9th में 10th में था ये सब. If two lines are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अंडरस्टूड? समझ लो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो बोथ स्लोप्स आर इक्वल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल. स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल. लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. अंडरस्टूड? सेकेंड नोट क्या है, If two lines are perpendicular, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस वन. मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस वन. तो m1 into m2 is equal to minus one. मतलब ये फर्स्ट लाइन का स्लोप इंटू सेकेंड लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये है आपका बेसिक. इसी चार फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, और दो नोट याद रखना है, तो आपको 4.1 एकदम आसान लगेगा, राइट? अब मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.1. तो आप लोग रेडी हो जाओ 4.1 के लिए. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1. Find the equation and the normal to the curve at given points. Equation find करना है किसका? Equation of tangent and normal. Equation of tangent रहेगा. Equation of tangent and normal to the curve at given points. किसका किसका equation find करना है students? Tangent का और normal का, दोनों का. बराबर? इक्वेशन फाइंड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इंटू स्लोप x माइनस एक्स वन, दोनों के लिए है. तो स्लोप निकालना जरूरी है दोनों का, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप. मैंने फॉर्मूला आपको दिया है, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, dy by dx एट गिवन पॉइंट, वो निकालेंगे हम लोग. फिर उसके बाद टेंजेंट ऑफ नॉर्मल क्या है, माइनस वन अपॉन dy by dx. स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स, दोनों का स्लोप मिल जाएगा. फिर दोनों का इक्वेशन में इक्वेशन लिखो, उसके अंदर उसका वैल्यू रखो और आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों का इक्वेशन मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं सोल्यूशन. देखो बहुत ही सिंपल है, गिवन इक्वेशन इज 3x² माइनस एक्स प्लस वन, राइट? अब डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 3x² माइनस एक्स प्लस वन. क्या होगा, डी वाई डी एक्स थ्री कॉन्स्टेंट है, ऐसा हो जाएगा, ऐसी रहेगा सेम टू सेम. x स्क्वायर बिकम x रेस टू n, मतलब 2x, राइट? माइनस x, x मतलब कितना आएगा 1, एंड प्लस 1 का कितना होगा 0. अंडरस्टूड? हो गया 3 टू जा 6x माइनस 1. अंडरस्टूड? ये हो गया आपका स्लोप, ये जो मिलेगा वो स्लोप मिलेगा. पॉइंट का निकाल लो, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एक्स वन वाई वन, कितना आएगा 6x माइनस 1 1.3. निकाल लेते हैं,
कितना आएगा, रखो ये लो 13 रख के रखो, 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 कम्स 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया स्टूडेंट, डिवाइड बाय डीएक्स, 6x माइनस 1, 6 इंटू 1 माइनस 1 5। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल equal to minus 1 upon dy by dx, x1 y1, तो कितना हो जाएगा minus 1 upon 5। understood? इसका भी स्लोप हो गया, टेंजेंट का भी, नॉर्मल का भी स्लोप हो गया। हमको फाइंड करना इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is equal to इक्वेशन ऑफ tangent is y minus y1 is equal to dy upon dx, x1 y1 into x minus x1. Understood? The value y minus y1, what is the y1? This is x1 and this is y1. So 3 is equal to dy by dx 5 into x minus x1 is 1. Now open the bracket, y minus 3 is equal to 5 into x, 5x minus 5 under 5, right? This goes us side leke jao, sahi formula yoga 5x ye jayega udhar minus y minus 5 ye jayega us side to kya hoga plus 3 is equal to 0. Then 5x minus y minus 2 is equal to 0. ये हो गया आपका equation of tangent. Right? क्या find करना है? Equation of normal is y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx x1 y1 into x minus x1, right? अब रखो ये लो, y minus y1 is what? y1 is 3 is equal to, what is the slope? Minus 1 upon 5 into x minus x1 is what? 1. Right? अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो कैसे आगे, यहां पर रफ करता हूं मैं, या तो इधर ही क्लियर करता हूं। क्रॉस करो क्या होगा, 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 1। अंडरस्टूड? ओपन द ब्रैकेट, 5 इंटू वाई, 5 वाई माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अंडरस्टूड? सही फॉर्म में लेके आओ, इस बार इस वाले को यहाँ लेके आओ, तो क्या होगा x इधर पहले से कितना है प्लस 5y, इधर माइनस 15 पहले से, प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो कितना होगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट? दैट मीन्स x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, समझा स्टूडेंट्स? वन टाइम अगेन देख लो,
इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, जो डेरिवेटिव मिलेगा वही क्या होगा, स्लोप होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस, राइट। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, माइनस वन अपॉन एल रख दिया। हाँ, यहाँ पे वैल्यू जो दिया उस वैल्यू को रखोगे, जो भी मिला रहेगा यहाँ पे उस वैल्यू का रख के वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ भी निकाला तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, निकाल लो। फिर यहाँ पे ऐसा रख दिया, फिर इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके अंदर वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी इक्वेशन लिखा, उसका वैल्यू रखा, फिर इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल दिया, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, फर्स्ट का सेकंड क्या दिया हुआ है, 2x² + 3y² = 5। इसमें भी आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का, फिर नॉर्मल का, फिर इक्वेशन टेंजेंट का, इक्वेशन नॉर्मल का। तो स्लोप के लिए मैंने क्या बोला, dy by dx निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो करते हैं डिफरेंशिएट with respect to x, क्या हो जाएगा d upon dx 2x² + 3y² = d/dx 5। कितना आएगा बोलो, अभी 2 कांस्टेंट में बाहर हो जाएगा, x square का कितना होगा 2x, वेरी सिंपल, प्लस 3 कांस्टेंट है ऐसे का ऐसे रहेगा, y स्क्वायर का कितना होगा 2y, बट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए हमको फिर से लेना पड़ेगा dy by dx = 5 कांस्टेंट नंबर है, क्या हो जाएगा 0, समझा। अब क्या होगा, 2 × 4 = 4x + 3 × 6 = 6y dy by dx = 0। हमको निकालना है dy by dx, मतलब 4x प्लस में है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर बचा 6y dy by dx = −4x, अंडरस्टूड। अब ये इनटू में है, यहाँ आएगा तो क्या होगा डिवाइड, समझ रहे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा अभी dy by dx = dy upon dx = −4x upon 6y, अंडरस्टूड। 2 × 4 = 6, therefore dy upon dx is equal to −2x / 3y, understood। अब इसका वैल्यू निकाल लो इस बार, इधर ही dy by dx क्या दिया है, पॉइंट 1, 1, मतलब x का वैल्यू भी 1 रखना है और y का वैल्यू भी 1 रखना है, −2 × 1 upon 3 × 1 is equal to कितना हो जाएगा 2 × 2 - 2 upon 3, understood। Therefore slope of tangent is equal to dy upon dx x1 y1, right, is equal to कितना आ गया −2 upon 3। Therefore, slope of normal is equal to −1 upon dy by dx x1 y1 is equal to −1 upon −2 upon 3, right? Minus minus cancel होगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3 × 3 upon 2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 3 upon 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y − y1 = dy upon dx, मतलब स्लोप x1 y1 × x − x1, right? Then y − y1 is what? y1 is 1, is equal to, what is the slope? −2 upon 3 into
x minus x1 is also 1. Try to solve for score 3. Y minus 1 is equal to minus 2 x minus 1. ये थ्री ट्रांसफर होकर इस साइड आएगा तो यहाँ डिवाइड फॉर्म में है, आएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा. तो थ्री इंटू आई थ्री वाई, थ्री इंटू वन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू राइट. इसको आगे चलेंगे तो अभी क्या होगा इसको रफ करता हूँ मैं. सही फॉर्म में लाओ, माइनस टू एक्स राइट से लेफ्ट में आएगा तो कितना आएगा प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई लेफ्ट में ही है, फिर माइनस थ्री लेफ्ट में ही है प्लस टू राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस टू इक्वल टू जीरो. माइनस टू एक्स राइट से लेफ्ट में गया तो प्लस हो गया बराबर, प्लस टू गया तो माइनस हो गया. ये पहले से इधर था, यह साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों का साइन चेंज होगा तो सही फॉर्म में हो जाएगा. तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो क्या मिल जाएगा अभी, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ is given by what, y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx. बार में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए, ऐसे बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता है लेकिन लिख दोगे तो काफी अच्छा ही रहेगा. into x minus x1 put the value y minus y1 is 1 minus से कितना आ गया minus 1 upon का value कितना है 3 by 2, what? 3 by 2 into x minus 1. Now cross karo, 2 into y minus 1 is equal to 3 into x minus 1. The formula of 2y minus 2 is equal to 3x minus 3. Understood? Ab kya ho jayega? 3x yahan pe aayega to kitna hoga? Isko us side le jao. To kitna aayega 3x? ये जाएगा तो माइनस टू आई बराबर, फिर माइनस थ्री पहले से इधर है, ये जाएगा तो प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. ये सही करने आपको आना चाहिए, मैं ऐसा सिखा रहा हूँ. अगर इधर एक्स है इस साइड, अगर माइनस में एक्स है तो यहाँ लाओगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा बराबर, लेकिन यहाँ प्लस में ही है मैं फिर इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ सही फॉर्म में लाऊंगा. जो ट्रांसफर होगा उसका साइन चेंज होगा तो कितना आएगा थ्री एक्स माइनस टू आई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. माइनस थ्री प्लस टू बिकम माइनस वन. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. समझा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है. आपको डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपको स्लोप मिल जाएगा, फिर इक्वेशन लिख के उसका वैल्यू रख दो, यू विल गेट व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल.